आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स, मैं हूं ऋषभ सिंह रावत आपके साथ। कल बार्सिलोना के कैंप नाउ होम स्टेडियम में जोआन गैम्पर का फाइनल हुआ। जी हाँ, बार्सिलोना और आर्सेनल के बीच ये मैच था। हम आपको बता दें, जोआन गैम्पर फाइनल एक ट्रेडिशनल मैच होता है। जब बार्सिलोना अपना सीजन स्टार्ट करती है तो उससे पहले एक उनके फाउंडिंग मेंबर थे, पूर्व फाउंडिंग मेंबर थे, उनके टाइम से प्रथा चलती हुई आ रही है। तो एक कोई भी या तो इंग्लिश क्लब या फ्रेंच क्लब या इटालियन क्लब को बुलाया जाता है कैंप नाउ में और एक फाइनल खेला जाता है जोआन गैम्पर नाम से। तो कल आर्सेनल पहली बार इस मतलब इस कॉम्पिटिशन में, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया उन्होंने और फाइनल में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। लीड उनको दिला दी थी ओबामेयांग ने। जी हाँ, उनको 36 मिनट में एक बहुत ही सिंटिलेटिंग वॉली से, उनको एक बहुत ही सिंटिलेटिंग गोल से उन्होंने लीड दिला दी थी। लेकिन जब नेथन लाइल्स ने एक ओन गोल मारा, उसके बाद थोड़ा उनका डिफेंस डगमगा सा गया था और उसका फ़ायदा उठाया लुइस सुआरेज़ ने अपने कमबैक में 89th मिनट में। एक बहुत ही अच्छा जो फ्लाइंग किक मारी उन्होंने, फ्लाइंग वॉली मारी 89th मिनट में, उसने लीड दे दी अंतिम क्षणों में और 2-1 से ये मैच बार्सिलोना ने बहुत ही ईजिली जीत लिया। वो सर्जी रोबेटो का जो पास था वो बहुत ही अच्छा था, वो उन्होंने डिफेंस को ब्रीच करते हुए एकदम सेंटर में बॉल डाली और उसका वॉली का अच्छा फ़ायदा उठाया लुइस सुआरेज़ ने, वो बहुत ही अच्छी फ्लाइंग किक से। और कल ही कम्युनिटी शील्ड का फाइनल भी था और मैनचेस्टर सिटी ने पेनल्टीज़ में जाके ये मैच जीत लिया है, 5-4 से ये मैच जीता उन्होंने। आपको बता दें कि रहीम स्टर्लिंग ने उनको लीड दिलाई थी 12वें मिनट में, जब डेविड सिल्वा ने एक उनको टैप इन, बहुत ही इजी पास, मतलब पास अच्छा था बट वो गोल बहुत ही इजी था, टैप इन था वो। उसके बाद 77th मिनट में वापसी की लिवरपूल ने। जी हाँ, वर्जिल वैन डाइक ने एक क्रॉस दिया और हेडर मारा उनके सहयोगी सेंटर बैक जोएल मैटिप ने और 77th मिनट में इक्वलाइज कर दिया था। फिर ये मुकाबला गया पेनल्टीज़ में, जहाँ पे वाइनाल्डम, जो कि लास्ट ईयर चैंपियंस लीग के उनके महानायक थे, इस टाइम वो खलनायक के तौर पे साबित हुए, उन्होंने वो पेनल्टी मिस की और उसी का फ़ायदा उठाया गैब्रियल जीसस ने, जो फाइनल पेनल्टी उन्होंने कन्वर्ट करते हुए उन्होंने अच्छी शुरुआत दी। विनिंग नोट पे स्टार्ट किया एशियन मैनचेस्टर सिटी ने, तो देखते हैं कि इनका विनिंग जगरनॉट कहां तक चलता है। और ऐसे ही तमाम फुटबॉल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स। थैंक यू।